SN लाइव सच सबसे आगे। गोपालगंज में शराबबंदी को दिखाया ठेंगा, शराब की बोतल के साथ डांसरों संग ठुमके लगाते दिखे पूर्व बीडीसी पति, क्षेत्र में जमकर वायरल हो रहा वीडियो। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू करने को लेकर सरकार ने इसकी जिम्मेवारी पंचायत के प्रतिनिधियों को भी दिया है, लेकिन शराबबंदी कानून को अगर पंचायत प्रतिनिधि के पति ही ठेंगा दिखाने लग जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराब मुक्त बिहार का सपना कैसे पूरा होगा। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें शराब की बोतल के साथ स्टेज पर बार बालाओं के साथ ठुमके लगाए जा रहे और बगल में बैठे लोग ताली बजा रहे हैं। वायरल वीडियो में अपने हाथों में शराब का बोतल लेकर झूम रहे कोई आम नहीं बल्कि भोरे प्रखंड के डूमर नरेंद्र पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रभावती देवी के पति अवधेश कुशवाहा है। वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि बीते बुधवार को कोल रही गांव में एक शादी के मौके पर डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं ऑर्केस्ट्रा में गाना बज रहा था कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशे में कौन नहीं है हमें बताओ जरा, भला। इस धुन पर पूर्व बीडीसी सदस्य के पति अवधेश कुशवाहा को रहा नहीं गया, उन्होंने शराब की बोतल निकाली जिसमें थोड़ी सी ही शराब दिखाई दे रही है और नृत्य के साथ मंच पर चढ़कर ठुमके लगाने लगे। बीच बीच में वे शराब भी पी रहे थे। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि से एसएन लाइव न्यूज नहीं करता है। वहीं इस मामले में गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। गोपालगंज से एसएन लाइव के लिए रिजवान अहमद की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर